एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसी बंद गोभी आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जो चाहें आप चाहें तो चपाती के साथ, पराठों के साथ या नान के साथ, जिसके भी साथ खाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार लगेगी। तो बिना वक्त को जाए के चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो में आप सभी को अंत तक जरूर बने रहना है, बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई बहुत ही इजी, क्विक और बिल्कुल फटाफट से बनने वाली बंद गोभी की सब्जी की रेसिपी। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी होती है और हमें लगता है कि कुछ बहुत ही टेस्टी सा जल्दी से खाना बनकर तैयार हो जाए। तो आज इसी के लिए मैं आप सभी के लिए, लंच बॉक्स के लिए, जब भी आप सभी को जल्दी हो ना, तो ये सब्जी आप जरूर बना सकते हो। और इसके साथ चपाती और पराठे का तो क्या कॉम्बिनेशन ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का बंद गोभी, आप देख सकते हैं, मैंने उसे इस तरीके से कट कर लिया है और जिसे वॉश करके मैंने डाल दिया है कुकर में। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 3 मीडियम साइज के मैंने आलुओं को इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए इन्हें भी मैं इसी के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि आज की रेसिपी है जो हमारी क्विक और बिल्कुल फटाफट से है, तो हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं जब टाइम की शॉर्टेज होती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग, मैंने 4 से 5 मिर्च कटी हुई ले ली है और मैंने मिर्चों को बहुत बारीक नहीं कट किया, क्योंकि ये मुंह में आती है ना सब्जी में तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया लगभग 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो चलिए अब बात आती है इसकी स्पाइसेस की। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अगर आप सभी कुटी हुई लाल मिर्च नहीं पसंद करते या फिर नहीं खाना चाहते तो आप स्किप करके लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1/2 टीस्पून मैंने लगभग डाला है गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमें हल्दी पाउडर थोड़ा कम ही रखना है, वरना जो हमारी सब्जी है उसका कलर काला काला हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब वो ओवर येलो लगता है, जिससे हमारा जो सब्जी का कलर भी ब्लैक दिखता है, तो हमें वो वाला नहीं रखना है। तो सिर्फ 1/4 टीस्पून ही डालना है। इसी के साथ मैं आप डाल देती हूँ नमक। नमक आप सभी को अपने टेस्ट के हिसाब से ही एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने तो डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ साथ ही डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून जीरा। मैं डाल देती हूँ लगभग 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1 चम्मच मैंने डाल दिया लगभग 1 चम्मच, ये बड़े साइज का चम्मच है, तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और ये वाली जो सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल लगता है, क्योंकि ये सब्जी है बाद में सूख जाती है, जो खाने में उतना जायका नहीं देती है, तो थोड़ा सा सही मैंने तेल डाल दिया इसमें क्वान्टिटी में 1 चम्मच। और इसमें अब मैं डाल देती हूँ, अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ लगभग 1.5 कप पानी। पानी हमने इसलिए सही डाल लिया है क्योंकि ये सब्जियां हैं, इसे कुक होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो चलिए अब मैं इसे रख देती हूँ गैस पर। यहाँ पर अब मैं कुकर का लिड लगा देती हूँ और इसमें इंतजार करती हूँ लगभग 2 से 3 सीटियाँ आने का। तो चलिए अभी इसमें सीटियाँ आने देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है और ये टेंडर भी होगी, लेकिन अभी इसमें स्टिल थोड़ा सा पानी बाकी है। तो चलिए सब्जी को भून लेते हैं और भूनने के बाद मज़ा और भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो भुन रही है, उसका पानी जो एक्सेस है वो अच्छे से हमें पका लेना है, ताकि हमारी ये जो सब्जी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए इसे भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छे तरीके से तेल उतर आया, आप देख सकते हैं। और ये हमारी जो सब्जी है बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब ये वाली जो सब्जी है ना, पराठों के साथ, चपाती के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसमें डाल लेती हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और इसे एक बार कटते हैं मिक्स। हमें धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए,
क्योंकि जो उसकी खुशबू होती है ना वो स्वाद में इतनी मज़ेदार नहीं रहती जितनी कि कच्चे धनिए में आती है। तो चलिए ये सब मिक्स करने के बाद मैं गैस की फ्लेम को करती हूँ टर्न ऑफ और इसे करती हूँ सर्व। हमारी ये बंद गोभी की सब्जी आलू के साथ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ अपने नए व्यूअर्स से कि आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए जो मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।